जिलावार एसोसिएशन मुरादाबाद के सभागार में हिंदी दिवस समापन समारोह जिला हिंदी विधि प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनपद न्यायाधीश राघवेंद्र मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलावार के अध्यक्ष जयवीर सिंह ने की तथा संचालन महासचिव सरदार प्रकाश वीर सिंह ने किया। कार्यक्रम में अधिक से अधिक राष्ट्रभाषा हिंदी में कार्य करने के कारण निम्न न्यायिक अधिकारियों जिसमें जनपद न्यायाधीश राघवेंद्र के साथ अतिरिक्त न्यायाधीश NIX हमीदुल्ला, सुश्री शिवांगी गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ प्रभाग तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सोमनाथ पुरी, सतीश गुप्ता, चौधरी अनिल पाल सिंह एवं प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र पाल सिंह को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और हिंदी दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस मौके पर बोलते हुए जनपद न्यायाधीश ने कहा कि यदि संभव हो तो अत्यधिक कार्य हिंदी में किए जाने चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है लेकिन पूरे राष्ट्र में पूरे तरीके से लागू नहीं है। हमारा निरंतर प्रयास है कि हिंदी को सर्वमान्य भाषा बनाएंगे, वहीं देश शक्तिशाली राष्ट्र बनता है जिसकी मातृभाषा शक्तिशाली होती है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा हिंदी में कार्य करवाने चाहिए या करने चाहिए। न्यायाधीश को आदेश करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसके लिए वह आदेश कर रहा है उसकी भाषा इतनी सरल हो कि जिसके लिए आदेश हो रहा हो उसको समझ में आ जाए कि उस आदेश में क्या लिखा है। कार्यक्रम में ठाकुर सोमपाल सिंह, शेर सिंह, गजराज सिंह, संजय तिवारी, अजय गुप्ता, विक्रम सिंह सैनी, शमशाद हुसैन, कुमारी संध्या दीक्षित, गोविंद प्रकाश, ललित अरोड़ा, राकेश कुमार गुप्ता, प्रियांशु वर्धन शर्मा, महेंद्र कुमार, रजनी भटनागर, VK मालवीय, अचल दीक्षित, देवराज सिंह चौहान, शकील अहमद, शिवांग रस्तोगी, स्मिता गुप्ता, तृप्ति खन्ना, रेणु गुप्ता, अमित गोयल, श्री राम शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। मिटे नहीं उस जो आदमी के हृदय में पीड़ा होती है उसकी अभिव्यक्ति अपने मातृभाषा में वो आसानी से कर सकता है। किसी और भाषा का सहारा लेता है तो उतना अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए अपनी मातृभाषा जिसकी जो भी होती है, हम यहाँ हिंदी की बात कर रहे हैं। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश एवं अन्य न्याय अधिकारीगण एवं प्रशासनिक तथा सुरक्षा पे प्रहरी, मैं पुनः आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ कि आपने बहुमूल्य समय में से अपना बहुमूल्य समय हमारे बार के लिए और हिंदी के उत्थान के लिए समर्पित किया। इसी के साथ साथ हमने अवलोकन किया, जनता से अवलोकन कराया और हमारी जो विधि विधान के अनुसार कमेटी थी उसे अवलोकन कराने के बाद ये विदित हुआ कि पूर्ण सप्ताह आप लोगों ने हिंदी में ही आदेश पारित किए। ये एक गरिमा की बात है और साथ देने का साथ है। इसी के साथ साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने हमें प्रयत्नशील रहने के लिए आदेशित किया कि हम प्रयत्न करते रहे और एक दिन वह आएगा कि आलोचना करते हुए हम प्रयासरत रहे और हम उस स्थान तक पहुंच जाएंगे कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ही हो जाएगी। तो मैं सब आप लोगों का आभारी हूँ और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जिस तरह से आप सब ने मिल करके हमारा साथ दिया है। जी सर, क्या कार्यक्रम हुआ आज जिलावार में? जिलावार में 14 सितंबर हम मनाते हैं मुरादाबाद जिला हिंदी विधि प्रतिष्ठान के अंतर्गत, और ये संस्था हमारी 1979 से इस कार्यक्रम को करती चली आ रही है। वो विधिवत हम हर वर्ष
दो न्यायिक अधिकारियों का जो हिंदी में कार्य करते हैं उनको सम्मानित करते हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी को जो हिंदी में अच्छा कार्य करते हैं उनको सम्मानित किया जाता है, और जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो हिंदी में कार्य करते हैं आज हमने उनको भी सम्मानित किया है, जिसमें सोमनाथ पुरी जी और सतीश कुमार गुप्ता जी, अनिल पाल जी। तो मुख्य रूप से कौन मौजूद थे? मुख्य रूप से हमारे मुख्य अतिथि माननीय जनपद न्यायाधीश जी रहे हैं, उनके साथ में जो सम्मानित हमने किया है अतिरिक्त न्यायाधीश माननीय हमीदुल्ला जी को, एवं कनिष्ठ प्रभाग में सुश्री शुभांगी गुप्ता जी को हमने सम्मानित किया है, क्योंकि ये हिंदी में ही अपना कार्य करती हैं और अधिवक्ताओं के प्रति, वादकारियों के प्रति इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा रहता है।